पुलिस अधीक्षक नुहू श्री वरुण सिंगला आईपीएस के नेतृत्व में नुहू पुलिस को चोरी के ट्रकों को खरीद कर उनके फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने में मिली बड़ी कामयाबी। चार आरोपी गिरफ्तार, करीब 8 करोड़ रुपए के कीमत के 16 ट्रक बरामद। अपराध जांच शाखा ताउड़ू के निरीक्षक सुरेंद्र सिंह सिद्धू तत्कालीन प्रभारी के नेतृत्व में गठित 2 टीमों ने करीब 15 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पश्चिम बंगाल के चगड़ाबंदा जिला कूचबिहार बांग्लादेश बॉर्डर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके 16 ट्रकों को किया बरामद। माननीय पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल ने हरियाणा को अपराध मुक्त करने हेतु एक विशेष अभियान चलाया हुआ है, जो इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक नुहू श्री वरुण सिंगला आईपीएस के नेतृत्व में जिला नुहू को अपराध मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान के तहत तत्कालीन प्रभारी एंटी नारकोटिक सेल एवं अपराध शाखा ताउड़ू के निरीक्षक सुरेंद्र सिद्धू के नेतृत्व में गठित टीमों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। तत्कालीन प्रभारी एंटी नारकोटिक सेल एवं अपराध शाखा ताउड़ू निरीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीमों ने गुप्त सूचना के आधार पर दिनांक 26/3/2023 को आरोपी सोहिल पुत्र इकबाल निवासी बावला ताउड़ू को बावला मोड़ ताउड़ू से गिरफ्तार किया। तत्पश्चात जिसके स्वीकृति कथन पर गुप्त सूचना के आधार पर दिनांक 5 जुलाई 2023 को आरोपी संदीप गौतम पुत्र धर्मवीर गौतम निवासी खरावड़ वे कलावट जिला रोहतक हाल भारत पेट्रोल पंप के सामने बाईपास रोड चगड़ाबंदा जिला कूचबिहार पश्चिम बंगाल व इरफान पुत्र हन्नू निवासी जफराबाद थाना ताउड़ू जिला नुहू को चगड़ाबंदा पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार करके पुलिस ने जांच शुरू की। जो आरोपी संदीप गौतम व इरफान उपरोक्त से एक चोरीशुदा ट्रक टाटा सिग्ना बरामद किया गया। तत्पश्चात दिनांक 8 जुलाई को आरोपी कप्तान गौतम पुत्र धर्मवीर गौतम निवासी खरावड़ जिला रोहतक को गिरफ्तार किया गया। वे आरोपी को पेश अदालत करके 7 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया। दौरान रिमांड आरोपी कप्तान उपरोक्त की निशानदेही पर कुल 15 चोरीशुदा ट्रक बरामद हुए। जिन चोरीशुदा ट्रकों को आरोपी चेचिस नंबर व इंजन नंबर बदलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करके चला रहे थे और चोरीशुदा बरामद ट्रकों के ओरिजिनल चेचिस नंबर व इंजन नंबर पता करके ट्रकों के असल मालिकों के बारे में वे बरामद चोरी सुधा टर्कों के संबंध में दर्ज अभियोग का पता लगाया जा रहा है। गिरोह के अन्य सदस्यों को मुकदमे में जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। नुहू के पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि थाना नगीना में मुकदमा नंबर 203/2022 धारा 379 आईपीसी के संबंध में दिनांक 3 जुलाई को निरीक्षक सुरेंद्र सिद्धू तत्कालीन प्रभारी अपराध शाखा ताउड़ू को सूचना प्राप्त हुई कि मेवात नगीना से चोरी सुधा को पश्चिम बंगाल में आरोपी फर्जी कागजात तैयार करके चला रहे हैं। जिस सूचना पर दिनांक 5 जुलाई को आरोपियान संदीप गौतम पुत्र धर्मवीर गौतम निवासी खरावड़ थाना आईएमटीआई रोहतक जिला रोहतक वे इरफान पुत्र हन्नू निवासी जफराबाद थाना ताउड़ू जिला नुहू को चगड़ाबंदा जिला कूचबिहार पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार करके आरोपियान से एक गाड़ी ट्रक सिग्ना बारंग सफेद जिस पर फर्जी नंबर प्लेट HP38G4584 लगी हुई थी को मुकदमा हजा में बरामद करवाया। दिनांक 8 जुलाई को आरोपी कप्तान गौतम पुत्र धर्मवीर गौतम निवासी खरावड़ जिला रोहतक को गिरफ्तार किया गया। वे आरोपी को पेश अदालत करके 7 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया गया। दौरान रिमांड आरोपी कप्तान उपरोक्त ने कुल 15 चोरीशुदा ट्रकों को बरामद कराया। चोरीशुदा ट्रकों को आरोपी चेचिस नंबर व इंजन नंबर बदलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करके असल दस्तावेज के रूप में चला रहे थे। चोरीशुदा बरामद ट्रकों के ओरिजिनल चेसिस नंबर व इंजन नंबर पता करके गाड़ियों के असल मालिकों के बारे में वे बरामद चोरीशुदा ट्रकों के संबंध में दर्ज अभियोगों का पता लगाया जा रहा है। गिरोह के अन्य सदस्यों को भी मुकदमे में जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, एक बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इसकी शुरुआत नगीना थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था 203/2022 में, जो कि 29 जून 2022 को एक ट्रक चोरी हुआ था टाटा कंपनी का, जो कि दिल्ली से जो उसके ओनर थे उनके द्वारा कुछ सामान भिजवाया गया था और यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पे खड़ा था। तो वो वहाँ से जब चोरी हुआ तो उस संबंध में FIR की जब तलाश में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो उस इन्वेस्टिगेशन में एक नाम आया सोहिल नाम का, जिसके बारे में ये पुष्टि हुई कि उसने ये गाड़ी को चोरी को अंजाम दिया है अपने साथ 2 साथियों के साथ। सोहिल की गिरफ्तारी के बाद इसके अंदर आगे कार्रवाई बढ़ी। जब आगे हमारे इसमें लिंक्स इन्वेस्टिगेशन के अंदर निकले कि ये गाड़ी आगे कहाँ गई,
तो उसमें दो नाम और निकल के आए जिनके नाम थे संदीप गौतम और इरफान, जिनसे ये जिनके पास ये गाड़ी अल्टीमेटली गई है। इनकी धरपकड़ करने के लिए पुलिस टीम के द्वारा लगातार जाल बिछाने की कोशिश की गई, लेकिन ये काफ़ी टाइम तक अपनी गिरफ्तारी बचाते रहे। अंत में यह पश्चिम बंगाल में राउंड अप हुए। 5 जुलाई को 6 बजे करीब थाना मैकलीगंज के एरिया के अंदर इन दोनों की गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी उपरांत पूछताछ के दौरान इन्होंने उस समय यहाँ पे बरामदगी करवाई इस ट्रक की, जो कि टाटा सिग्ना ओरिजिनल ट्रक था जिसके ऊपर इन्होंने फर्जी नंबर लगा रखा था HP 38G 4584। इसकी बरामदगी करवाई गई और असल मालिक के द्वारा उसकी पहचान की गई, पुष्टि की गई। हमने इसी मामले में आगे गहनता से तफ्तीश करते हुए ये पता लगाने की कोशिश की कि इस प्रकार की अन्य कितनी गाड़ियाँ हैं जो इनके गिरोह के द्वारा इसी तरीके से चोरी कर नंबर फर्जी लगाकर और काम में ली जा रही हैं। तो उसमें एक नाम आया कप्तान का। तो कप्तान गौतम, जो कि संदीप गौतम का भाई है, उसकी धरपकड़ की गई 8 जुलाई को। 8 जुलाई को समय करीब शाम को 5 बजे के आसपास उसका गिरफ्तार किया गया एवं उसका 7 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। पुलिस रिमांड के दौरान उसने इस बात को रिवील किया कि उसने इस तरह की काफ़ी सारी गाड़ियाँ चोरी करके और पश्चिम बंगाल में भेज रखी हैं, और उसने 15 गाड़ियों के बारे में उसने हमें सुराग दिए, जिसके कारण इन सभी 15 गाड़ियों की चकबंदा एक बांग्लादेश बॉर्डर पे एक जगह है जो कि कूच बिहार ज़िले में है, वहाँ से इनकी बरामदगी हुई। इन 15 गाड़ियों की अगर हम बात करें, और एक जो 16वीं गाड़ी जो पहले से मिली थी, 16 गाड़ियों में से 13 गाड़ियों के ऊपर हिमाचल प्रदेश के नंबर फर्जी लगा रखे थे, एक पे हरियाणा का और 2 पे राजस्थान के नंबर लगे हुए थे। इन सभी गाड़ियों को अब पुलिस जो है इनको कब्जे में लेकर और जिला नूह में लेके आए हैं, और इनके हम असल मालिकों की पहचान के लिए हमने इनकी कंपनी से संपर्क साधा है, जो कि टाटा कंपनी है और अशोक लेलैंड कंपनी है। उनके टेक्नीशियंस हमारे पास कल भी आए थे और आज भी उसमें आएंगे, और उनकी असल पहचान कराने में हमारी मदद करेंगे ताकि हम इनके असल मालिकों तक पहुँच सकें और इनके इसके संबंध में जो दर्ज FIRs हैं उनका पता लगा सकें। और इस प्रकार से एक बहुत बड़े गिरोह का ये भंडाफोड़ हुआ है। जो कप्तान और संदीप हैं, ये बीच के इंटरमीडियरीज से इस तरह के व्हीकल्स खरीद के नंबर चेंज करके और उनको बहुत दूर दराज के इलाकों में चलाते हैं ताकि इनकी कभी भी रिकवरी ना हो सके। तो इस तरीके से काफ़ी सारी गाड़ियों की इसमें रिकवरी हुई है। देखिए, ये अल्टीमेट एंड यूज़र हैं जो संदीप एंड कप्तान हैं, ये लोगों के इनके खुद के नाम पे गाड़ियां हैं। इन्होंने ये जो रजिस्ट्रेशन कराई है, जो मैं बता रहा हूँ आपको हिमाचल प्रदेश की और इनके हरियाणा के, इसमें से मेजॉरिटी गाड़ियां ये इन्हीं के गिरोह के सदस्यों के नाम पे दर्ज हैं। ये इसके एंड यूज़र हैं, इसको इसके प्रयोग करके ये इसमें पैसा कमाते हैं, और इसमें अनेक अन्य लिंक्स हमारे निकल के आए हैं जो कि हमारी अब हमारी उन पर धरपकड़ शुरू होगी, जिसमें इन्होंने किससे खरीदी, एक तो वो लिंक्स हमने उसमें इंक्लूड करने हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स किसने बनवाए वो इसमें लिंक्स, इनको अरेस्ट करना है, और इसके अन्य इनके जो साथीगण हैं जो चोरी में भी शामिल थे या इनके साथ इस गिरोह में शामिल हैं, उनकी धरपकड़ हमें करनी है। सर, ये जो ये रोहतक के रहने वाले हैं जी, इनका खराबड़ गाँव, थाना IMT रोहतक, जिला रोहतक, और वैसे इनकी जो ज़्यादातर जो रिहाइश है वो अब पश्चिम बंगाल की रहती है।